वो मस्तान अपनी इबादत करने 3 दिन के लिए ननकाना साहब गया है, तो मैं और अम्मा ही खेतों का ख्याल रख रहे हैं। मैं भी अभी बस खाना लेकर उधर ही जाने वाली थी। तो ये मस्तान की जान अभी तक नहीं छोड़ी तेरी माँ ने है? इतने सालों से इधर ही है, अब तो घर का फर्द हो गया है। घर का फर्द हो गया है ना, तो कलमा पढ़वा और अपनी माँ की शादी करवा दो तुम उससे। मैं तुम्हारी तरह याश औरत नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रही थी गुलमीना से। अब यही हंसी मजाक रह गया करने के लिए? घर के नौकर के साथ घर की मालकिन की शादी तुम्हारे लिए मजाक होगी, मेरे लिए मर जाने का मकाम है। कुछ तो शर्म करो, जवान बेटी के सामने माँ का मजाक उड़ाते तुम्हें जरा आया नहीं आई? बड़ी बहन को अय्याश कहते, तुम्हें आया नहीं आई? तुम अंदर जाओ। अब बोल, कौन से आया की बात कर रहे थे तुम? इधर इधर, उधर दीवार में कौन से जन्नत के पत्थर जड़े हैं जिनकी जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर रही हो तुम? इधर, एक जिंदा जीता जागता बंदा तुमसे बात कर रहा है, मुझसे बात करो, बोलो। क्या बोलूं मैं, तुमने तो आते ही मुझे सींगों पे उठा लिया। इतने सालों बाद आई थी तुम्हारे घर में, कैसा करता है कोई बड़ी बहन के साथ? अब क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? जो कहने आई हो वो कहो, जो मांगने आई हो मांगो, मांगो। बैठ के बात करें, सोच लो, बैठ कर भी ऐसा जवाब दूंगी कि अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकोगी तुम। इसलिए खड़े खड़े ही जवाब सुन लो तो अच्छा है। तो फिर सुनाओ। पहले मांगो तो सही। मांगो। मैं एक मत के लिए गुलमीना का हाथ मांगने आई हूं। देखो ये पुरानी बातें, पुराने झगड़े भूल जाओ। अब ना वो वक्त रहा है ना वो लोग रहे, अब तो इन बच्चों का वक्त है। हमारी बेवकूफियों की सजा इन्हें तो नहीं मिलनी चाहिए ना? मुझे गुलमीना दे दो मेरी बहन। मुझे माफ करो मेरी बहन, मैंने खैरात निकाल दी है। अब तुम भी निकलो।